तो सिर्फ गिरावट गिरावट याद आ रही है कि भाई वेदांता 300 से नीचे आ रहा है, ये क्या हो गया है, ये सारी चीजें आएंगी, ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको पता है कि राम अच्छा है तो राम अच्छा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर सिक्स और आज बात करेंगे वेदांता की और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। सर, इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम ऑपरेटर से कभी नहीं जीत सकते, हम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि उनके पास ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा पैसा और कहीं ना कहीं हमारे जो रास्ते उनको अलग करने का जो भी उनका इरादा होता है उनके पास है, क्योंकि जो भी हमारे इरादे जो होते हैं वो विचलित हो जाते हैं। कैसे? गिरावट में। और वो गिरावट अगर ऑपरेटर अपना माल बेच रहे हैं या वो अलग तरीके से रणनीति बन रही है तो वहाँ पर जाकर आप उन अच्छे शोरों से अपना दिल हटा लेते हो, फिर आप भूल जाते हो कि वेदांता की एक सहायक कंपनी ने सेमीकंडक्टर का भी काम कर रखा है और इसके और भी अच्छे अच्छे काम है जिसके लिए ये अच्छे प्रगति की ओर जाएगा, वो सारी चीज़ें हम फिर भूल जाते हैं। हमें तो सिर्फ गिरावट गिरावट याद आ रही है कि भाई वेदांता 300 से नीचे आ रहा है, ये क्या हो गया है, ये सारी चीज़ें आएंगी, ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको पता है कि राम अच्छा है तो राम अच्छा है, अगर आपको पता है कि राम अच्छे हैं तो राम अच्छे हैं। कोई भी व्यक्ति अच्छा है उससे पहले उसे खराब करने की मंशा कई लोग बनाते रहते हैं। लेकिन अगर आपको किसी के चरित्र के बारे में अच्छी नॉलेज है, उसकी बातों के बारे में अच्छी पता है, तो आपको उसके बारे में पता है, तो फिर आपको लोगों से क्यों पूछना है कि वेदांता जो है कि वेदांता बर्बाद हो जाएगा। बहुत से लोग आपको वेदांता काफ़ी ऊपर तक भी दिखा देंगे कि बहुत 500, 1000, 2000 जाएगा। वो जाएगा भाई, वो जाएगा, काफ़ी दिनों बाद जाएगा, लेकिन उस दौरान अपने को मजबूत भी तो करना चाहिए। तो इस तरीके से जो बातें होती हैं तो वो अपने लक्ष्य को हमें प्राप्त करना सिर्फ यही है कि हमें दूसरों की बातें नहीं बल्कि काम जो कंपनी कर रही है क्या उसकी मंशा है उस पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। वोडाफोन आइडिया जहां एक दिन इसने बड़े आपको अपर सर्किट मार के दिखाए, फिर मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा अच्छा समय नहीं है जिस टाइम ये सरकार इसके अंदर अपना स्टेक ले रही है, क्योंकि इस टाइम जो माहौल है ना अडानी जी की वजह से मार्केट में उथल पुथल का ही रहा है। तो यही मैंने कहा था कि अच्छे समय पर ये न्यूज़ नहीं आई, तो काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया कि सर नहीं, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। मैंने कहा काम बहुत बड़ा है, यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को जीवन दान मिला है और ये काम जो बहुत बड़ा हो गया है, और उसके बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये कमाएगा तो पैसा देगा, तो ये लंबे समय का एक काम बन गया है। अब इस दौरान उतार चढ़ाव भी आएंगे, जिस तरीके से कल एक न्यूज़ निकल कर भी आ गई थी कि डॉट कहीं ना कहीं इनको एक नोटिस भेजेगा, जिस तरीके से स्पेक्ट्रम का उपयोग और लाइसेंस शुल्क का जो इनका क्वार्टर का पैसा होता है, बकाया होता है, वो सारी चीज़ें इनको देनी है, तो इसके लिए भी एक लेटर भेजेगा। इसके बाद भी वोडाफोन आइडिया थोड़ी सी टेंशन में आएगा, इंडस टावर से भी जो जो चीज़ें इसके अंदर जुड़ी है ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको संतुष्टि, जो सरकार ने स्टेक लिया है उसमें इसको एक राहत मिल गई है कि इसने अपना शेयर देकर वो जो उसको बकाया देना था उसको अब वो देने नहीं पड़ेगा, तो यानी कहीं ना कहीं अच्छा काम करेगा। फिर उसके बाद इनके सिम में आप 5G रेडी लिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनकी 5G की भी प्लानिंग है। तो ये जब सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं तो फिर आपको अभी जो गिरावट हो रही है, अभी जो उछाल हो रहा है, उसमें नहीं खोना है। अगर आपको इसके अच्छे से लक्ष्य अच्छे चाहिए फिर न्यूज के बेस इसको देखना चाहिए, क्योंकि ये जो भी चीज़ें होंगी जल्दी से नहीं होंगी, फंड ये जल्दी ला सकते हैं, उसके बाद तेजी आएगी, फिर ये अपने कर्जे को भी तो उतारेगा ना। अब इसका रिजल्ट भी जब आएगा तो उसके अंदर भी ये निगेटिव चीज़ें ही डालेगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रिजल्ट तो पहला आएगा ना पुराना, आप तो ये नए सिरे से काम करेगा तो वहाँ पर तो इसमें घाटा घूटा कुछ होगा, फिर उसमें भी आप दिल तोड़ लोगे, फिर कहोगे सर ये तो 3 दिन जो अपर सर्किट मारा तो बेकार ही था, फिर आप वो चीज़ भूल जाओगे। तो आज की वीडियो का माध्यम ये था कि अगर आपको वोडाफोन आइडिया सरकार से जीवित होते हुए दिख रहा है तो फिर अपने मन की स्थिति को भी जीवित करना है हमें कि भाई गिरावट आ सकती है, ये जो चीज़ें न्यूज़ के द्वारा निकल के आएंगी, इंडस्ट्रावर पैसा मांगेगा मांगेगा, सब अपना पैसा मांगेंगे इससे, तो जितने भी काम वोडाफोन आइडिया कर रहा है अब जाकर इसके रास्ते खुले हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ इसके अंदर होगी वो इसके रिजल्ट के बाद होगी। तो यही मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो आज की जो भी तेजी है, जो भी गिरावट है, इसमें नहीं खोना है, बल्कि ये दिमाग में डालना है कि ये फंड जो प्रमोटर इसके अंदर डाल देंगे उस दिन से इसकी लाइन सही हो जाएगी। फिर भी जो सरकार ने इसके अंदर स्टेक लिया है वो आगे जाकर इसको बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज मैंने आपके लिए सुजलोन, पेटीएम, LIC, क्यों नहीं बड़ा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक और आपका रिलायंस इंफ्रा और यस बैंक के ऊपर एक वीडियो डाली, और FIs ने की।
बैंकों में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जाकर उसको भी सर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जिसको जो भी कमेंट करना है ना उस वीडियो में कर दो, मैं सबका जवाब देता हूँ। लेकिन इसमें सिर्फ मैं आगे के लिए एक प्लानिंग कर रहा हूँ इस चैनल के लिए, तो इसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो ध्यान दीजिए सर, मेरा पैनल चैनल सार्थक बाजार से है और वहाँ पर लंबी लंबी थोड़ी वीडियो डलती है, थोड़ा उसको भी देखिए, उसके अंदर कमेंट कीजिए, वहाँ पर सबके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और वो वहाँ पर आज ये सारी चीज़ टॉपिक पे वीडियो आएगी, वो आपको अच्छा मदद करती है, क्योंकि कल की टॉपिक पे जो वीडियो बनाई थी वो आज उसने काम किया है। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।